नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक नई चीज जो अभी शुरू हुई है 1 अगस्त से बताने जा रहा हूँ। भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त से अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए हर बूथ पर एक अधिकारी भेजा है, बूथ लेवल अधिकारी जिसे BLO कहते हैं, वह आपके पास आएगा। यदि वह आपके पास पहुंचता है तो ठीक है, परंतु केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आम मतदाता के लिए, वो भी जागरूक होना चाहिए कि मैं भी अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवाऊं। आपके लिए बूथ अधिकारी BLO 1 है, परंतु उस बूथ अधिकारी के लिए BLO के लिए 1000 से 1400-1500 मतदाता उसके पास होते हैं, हर व्यक्ति तक वो पहुंच नहीं सकता है और इसको डाटा फीडिंग में भी बहुत समय लगता है। मैं निवेदन करता हूं सभी मतदाताओं से कि वो अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करवाने के लिए अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें और उनसे मिलकर अपना आधार कार्ड अपलोड करवाएं, अटैच करवाएं, ताकि आप एक जागरूक मतदाता हों और देश का भविष्य चुनने में सहयोगी बने। ऐसे कई मतदाता हैं जो अलग अलग स्थानों पर अपने वोट देते हैं। पूरा भारत एक हो, एक मतदाता को एक वोट का अधिकार हो, इसलिए सभी मतदाता अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवाएं। ये केवल BLO या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है। आप अपने परिवार के कार्ड लेकर उनको BLO बूथ लेवल अधिकारी से आधार लिंक करवाएं। यदि वहाँ पहुँचने में दूरी है तो आप वोटर हेल्पलाइन से संपर्क कर ऐप डाउनलोड कर वहाँ पर भी आप लिंक कर सकते हैं। अपने आसपास के जो जागरूक लोग हैं जो नहीं जानते हैं उनको भी ये बताएं कि एक अभी अभियान चल रहा है, निःशुल्क आपके वोटर कार्ड आधार से लिंक हो सकते हैं, हो सकता है बाद में शुल्क भी लग जाए। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवाएं और सरकार की सहभागिता बढ़ाएं। धन्यवाद। मास्टर राजेश, राजेश, राजेश।